देखिए उद्धव ठाकरे जी ने कहा वो छोड़िए, राम मंदिर कोई बीजेपी का ऑफिस नहीं है, बीजेपी का कार्यालय नहीं है, राम मंदिर कोई बीजेपी ने नहीं बनाया है, ये दिमाग से निकाल देना आप। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर के ताले स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए, ये तो आप मानते हो। वह आरती शुरू हुई, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे ब्रह्मांड की धरोहर है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है, धर्म के नाम पर राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, आप एक धर्म में राम को बांट, राम भगवान है, भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। आप ये कह रहे हो कि राम मंदिर कोई बीजेपी का ऑफिस है क्या? राम मंदिर में कोई भी आएगा जाएगा, मैं रोज राम की पूजा करता हूँ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरुण भव दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पज कंदारुणम कंदर अग्नित अमित छविनम नील नीरव सुंदरम पट प्रीत मानव ताड़ित रुचि सूची नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव देते वंश निकंद नम रघुनंद आनंद कंद कुशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभूषर चाप दर संग्राम जीत खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम हद्य कंज निवास करु कामाद्रि खलदल गंजनम मनुजाय राज्य मिलियो सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान सिलु सनेव जानत रावरो भांति गोरी आशीष सुनी सिंह सहित अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये भगवान राम की आरती है, पूरा देश गाता है। राम को बीजेपी कांग्रेस में सपा बसपा में कम्युनिस्ट में कैसे बांट सकते हो? राम किसी का बुरा नहीं करते, मेरे राम सबका भला करते हैं। ले बीजेपी बार बार भगवान राम को लाती है, अरे भगवान राम तो रोटी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, कहते थे मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, हर एक घंटे में 4 से ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहा है देश में भूख से। तो बीजेपी जवाब नहीं देगी, बीजेपी ने 200 रुपए सिलेंडर के कम क्यों किए? वोट से डरकर, यहाँ 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, क्यों किए 200 रुपए कम? आप 650-700 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए कम करते हो, राजस्थान में 500 का सिलेंडर है, आप डर गए कांग्रेस की पॉलिसी से, कांग्रेस की पॉपुलरिटी से, आप नाटक कर रहे हो। पेट्रोल डीजल भी बीजेपी सस्ता करेगी, सुन लो आप मेरे से, क्योंकि बीजेपी की हवा ही नहीं बन रही, ना राजस्थान में, ना एमपी में, ना छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी डर, और चुनाव पार्लियामेंट के भी आगे नाटक कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन नाटक कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को भारत कह रहे हैं। भारत और इंडिया में तो कोई अंतर ही नहीं है, इंडिया को भारत कहते हैं, भारत को इंडिया कहते हैं, यही तो है। अब हर नोट पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे 2 बार नोटबंदी कर दी, काका जी मारोगे क्या देश को? वापस नोट बंद करोगे क्या भारत लिखने के लिए? भारत हर नोट आप चेक करो पब्लिक से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये नाटक मुद्दा मैसेज देने का बीजेपी करती है, बीजेपी को 9 साल की उपलब्धि बतानी चाहिए, नहीं तो राजस्थान में बीजेपी का पता नहीं चलेगा।